नमस्कार मैं श्याम सुंदर विश्वकर्मा आप देख रहे हैं पब्लिक रिसर्च सेंटर पीसीआर हम इस समय राबर्टसगंज चार सौ एक विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ पर सपा के प्रत्याशी जो हैं अविनाश कुशवाहा जी हैं और बीजेपी की बात करें तो यहाँ पर भूपेश चौबे हैं और कांग्रेस की बात करते हैं तो कमलेश ओझा जी जो हैं यहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और यहाँ पर अगर बहुजन समाजवादी पार्टी की हम बात करते हैं तो अविनाश शुक्ल जी जो है यहाँ पर प्रत्याशी हैं तो यहाँ पर हम ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी यहाँ पर पब्लिक हैं जो वोटर्स हैं हम उनसे बात करने वाले हैं कि ये लोग कौन से मुद्दे पर जो है विकास के नाम पर वोट देने वाले हैं या राम के नाम पर वोट देने वाले हैं हम इन्हीं लोगों की जुबानी जानते हैं सर आपका नाम क्या है हमारा नाम कांता प्रसौद पड़ेगा अच्छा आप इस बार कौन से मुद्दे पर वोट देने वाले हैं देखिए यहाँ पर बहुत से सरकार बनी लेकिन हम लोगों को विद्युत नहीं था विद्युत तो हो जाने से ये हुआ कि जैसे कि मतलब कि लोग बुरकर आने लगे और उनका जो उत्पादन है कुछ बढ़ गया पहले से आज जब लाइट नहीं थी तो दिक्कत होती थी और लोगों जो कि डीजल इंजन से से सबके पास व्यवस्था नहीं था कुआँ नहीं था पक्का कुआँ नहीं था तो देखा जाए तो पहले की अपेक्षा इस वक्त विकास इसमें हुआ है अच्छा आपका नाम क्या है सर आप तो नए युवा हैं इस बार वोट देंगे हाँ वोट देंगे विश्वजीत पटेल अच्छा कौन से मुद्दे पर आप वोट देंगे मोदी सरकार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार को बनते हुए देखना चाहते हैं? मोदी जी के अच्छा आपका नाम क्या है सर मेरा नाम है हरिहर प्रसाद अच्छा क्या लग रहा है आपको उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है उत्तर प्रदेश में सरकार जो है बताओ भाजपा के बनने की उम्मीद है लोग बहुत से भाजपा को नाम ले रहे हैं देने के लिए वोट महिला और जो है और पब्लिक अच्छा कौन कौन सी सुविधाएं यहाँ पर जो है कि ग्रामीण क्षेत्र में आप लोगों को दिख रहा है ग्रामीण क्षेत्र में जो है किसान पेंशन दिखाता है एक पानी वाला भी टंकी आ गई लाइन विद्युत भी यहाँ बा राशन भी फ्री मिलत बा यही सब दिखाता सबके आपका नाम क्या है सर पन्ना अच्छा <laughs> आप इस बार किसकी सरकार को देखना चाहते हैं भाजपा के है। भाजपा विकास दिख रहा है आपको यहाँ पर हाँ विकास दिख रहा है बात बिजली लाइन सब पानी वाला व्यवस्था भी टोटी वाला लगा, लगने वाला है आपका नाम क्या है सर छोटे लाल प्रजापति अच्छा आप इस बार कौन से मुद्दे पर वोट करने वाले हैं भैया जी ऐसा है, है कि सरकार बनते हुए बिजली विद्युत पानी टंकी व्यवस्था सब चीज हो गई लोन भी माफ फोखे वाला हो गए जनता सोचा जाए भाजपा के गवर्नमेंट बना दिल जाए मोदी जी के अच्छा कौन कौन सी सुविधाएं आपको मिला है इदर, इदर, मिल एरिया में पेंशन मिल गये रोड बने ही वाला बा लाइन हो गई पानी आई गल अब ये सुविधा गलदा मिलता है सरकार देती है दवा करोती है ये हम सोचा भाजपा की गवर्नमेंट बनाए आपका नाम क्या है चाची मुन्नी देवी है अच्छा आप इस बार कौन से मुद्दे पर वोट करने वाली है पर जी अब हम अपन बिरादर छोड़ के दूसरे पर जाल जी है जो बड़े बड़े जनता आदमी मर जा पानी व्यवस्था तो तो हर घर नल योजना जो है चल रहा है और बताइए तो सरकार की कितना आपको विकास दिख रहा है ग्रामीण लेवल में इधर

जन पूरा जनतन के मुल्ला बना के आ नाक में डाल के कोरोना निकाल के जनतन के भीतर कर बताई ना अरे ये तो कोरोना एक बीमारी है ना नीम पचास बरस के बहन बीमार नहीं आते रहे <laughs> अरे बहुत लोग कोरोना में मर गए हैं तो मोदी के देना जब आ <laughs> सब कोई नुआ अरे मोदी जी तो वैक्सीनेशन लगवा करके सबको कोरोना को का टीका तो लगा के। आदमी का के काम बंद करा के पढ़े जनता है साल भर छः महीना स्कूल तो खुला हुआ है ऑनलाइन भी हो रहा है पढ़ाते हमारे कुछ गरीबन के कुछ कोई के साथ वाला अरे गरीबों को मोदी जी की योजनाएं जो है चल रही है आपका पाँच किलो अंजा से

अच्छा आपको शौचालय मिला है कि नहीं शौचालय शौचालय हमारे नहा मिला आप अगर सरकार से मांग करना रहेगा तो क्या करेंगी है? सरकार से आपको मांगना रहेगा तो क्या करेगी कागज लेता ना छोटका वो बतिया कागज कितना हम कागज बनावत बनावत थक ग अपने ग्राम प्रधान को नहीं बोलती है क्या है? अरे हमार प्रधान ले अगवा से छड़ हमारे ग्रामीण आपका नाम क्या है माता जी हमार हल्का नहीं ना अच्छा आप किसकी सरकार को देखना चाहती है इस बार अब उनके का हम देखा वो, उनके अगले वो से तो कौन कौन सी सुविधाएं आपको दिख रहा है कि जो काम हुआ है मोदी जी किए हैं यहाँ पर मोदी जी हम के दिक्कत ज्यादा बा पानी बिना कैसे कि पानी के दिक्कत होतबा अ कपार के पानी गोड़ता जातबा हमके पानी चाहिए हाँ नगवा के पानी बा यहाँ विजयगिर में हम के कपार के पानी एकदम पा, हम पानी बिना मरत आज पानी बिना हम टूवर भल वाली भा यहाँ पर सरकारी आवास एक भी नहीं है आज तक यहाँ पर सरकारी आवास एक भी नहीं है कि कोई अधिकारी आ जाए तो हम लोग उनको वहाँ बैठा दें मतलब कि होता कि कहां है कि जगह कहाँ हम लोग बैठाएं कहाँ बैठाएं जगह नहीं कहीं है कहीं मतलब कि गर्मी में पेड़ के नीचे बैठाइए या बरसात आता किसी घर में बैठाइए नहीं तो कोई जगह नहीं है यहाँ पर कोई सरकारी आवास तक, तक बना ही नहीं है ये शिक्षा और अस्पताल जैसे है इन सभी पर आपकी क्या राय है नहीं अस्पताल तो ठीक है मतलब कि यहाँ पर अब पहले तो केवल रविवार नहीं खुलता था लेकिन अब वर्तमान समय में रविवार को भी खुल रहा है इसे जो पेशेंट हैं वो जैसे कि रविवार की शिक्षा खराब होता है तो परेशानी होती थी लेकिन अब जाते हैं तो उनको दवा मिलता है निःशुल्क दवा मिलती है हाँ और शिक्षा भी ठीक है लेकिन थोड़ा सा उसमें कमी हुई शिक्षा में जो कोरोना काल में थोड़ा मतलब कि शिक्षा में गिरावट आई है और गवर्नमेंट को ये चाहिए कि मतलब कि फिर उसको विकास के तौर पर ले जाए हाँ थोड़ा सा गिरावट आई है अगर देखा जाएगा तो भाई इसमें थोड़ा जिंदगी की बात थी इसलिए थोड़ा सा उसमें ढील बरती सर महंगाई पर आप क्या कहना चाहेंगे जो कि लोग बोल रहे हैं कि काफ़ी बढ़ा हुआ है तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है हाँ महंगाई तो बढ़ी है लेकिन चूंकि मतलब जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके लिए उतना इसका प्रभाव नहीं है क्योंकि राशन मिल रहा है तो उनके महंगाई का उतना प्रभाव नहीं है नहीं तो वैसे तो महंगा ही है तो इस बार के चुनाव में आपको चुनावी मुद्दे जो हैं क्या लग रहे हैं और कौन सी जो है उत्तर प्रदेश में सत्ता में बैठने के काबिल है सरकार देखिए सत्ता में बैठने के काबिल भी तो फिलहाल जो केंद्र में गवर्नमेंट है तो राज्य में भी उसका शासन व्यवस्था रहेगा तो सुविधाएं अधिक मिल सकती हैं अगर गवर्नमेंट बदला जाए तो उसमें जो विकास के तौर पर कुछ कमी आ सकती है सर 2022 में आप कितना बदलाव देख रहे हैं पहले से और अब में नहीं पहले से तो बदलाव है जो कि हम हम लोगों के यहाँ दो में लाइट आ गई ठीक है और उसके और उसके पहले आ उस, आ उसके पहले नहीं है हालाँकि रोड हम लोगों की भी कमी है अभी हम लोगों का रोड लगभग पच्चीस साल हो गया पच्चीस साल हो गया ये सोलंग पड़े हुए अभी कोई किसी सरकार की सरकार मतलब कि आई लेकिन बना नहीं ठीक है सर एक चीज़ हमेशा माना जाता है कि जो सपा की गवर्नमेंट जो थी 2012 के बाद में बनी थी 2012 में वह बनी थी तो उसमें माना जाता है कि गुंडागर्दी जो है ज़्यादा था और अब जो योगी की सरकार जो 2017 में बनी थी तो इसमें शांति काफ़ी उसमें से बढ़ा है देखिए इसमें जो शांति की बात है तो यदि देखा जाए तो पहले से कुछ शांति हुई है लेकिन गवर्नमेंट को ये चाहिए कि फिर मतलब कि जो गुंडागर्दी है न चले ठीक है अगर उनको मतलब कि शांत कर दिया जाए तो अच्छा है क्योंकि उसमें जो पब्लिक है उसमें थोड़ा गुमराह हो जाती है कि हम किसको को दें कुछ लोग भड़का हरकाने लगते हैं आप देख रहे हैं पब्लिक रिसर्च सेंटर मैं श्याम सुंदर विश्वकर्मा इस समय हम मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर और हमारे साथ कैमरा पर्सन श्री राम पटेल के साथ धन्यवाद